सो गाइस, फाइनली एक और न्यू एनिमे स्टार्ट हो रहा है आज के डेट में। एंड अब ये जो एनिमे लास्ट एनिमे स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे जितने भी एनिमे स्टार्ट किए हैं, ठीक है। एंड जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उस पे ज़्यादा वीडियोज आएंगे। अभी रोज एक ही आ रहा था, लेकिन आपके ऊपर है। अब जो जिस पे ज़्यादा सपोर्ट करोगे वो ज़्यादा मैं देखूंगा एंड वो ज़्यादा वीडियोस उस पर आएंगी। तो ये सब आपके ऊपर है। एंड जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना बेल के साथ। एंड लेट्स गो इन द विनलैंड सागा। ओके, गेहूं की खेत में क्या कर रहे हैं भाई? गेहूं के खेत में क्या कर रहे हो ब्रो? गेहूं के खेत में हेलो आँखों को ना एकदम मजा सा आ गया भाई, मजा सा आ गया आँखों में जो आया भाई, गूज बम्स आ गए गाइस। देख रहे हो पर इतना नहीं है। बाकी ये हेलगा कौन है? हेलगा। क्या हुआ नीचे किस तरह? वो ये वॉर में है, वो सोच रहा था या सो वहां पर होके वॉर का सोच रहा है, बट जो भी है वॉर वो बढ़िया। वो तलवारी घुसा दी भाई मुंह के अंदर सर से आर पार। ये वो सेड भाई, ये कौन सी पावर थी? वो आधा आधा कर दिया भाई सबको। अभी और भी हैं, 1987 AD का है भाई, होने पर भी तुम चुपचाप खड़े रहे। और ये जा रहा है सबको काट। वो यस यस यस। ओ भाई भाई, धनुष भी चला रहा है, तलवार भी चला रहा है, कुल्हाड़ी भी चल रही है भाई, खून के फव्वारे निकल रहे हैं उनके जिस्मों से। और बारिश चालू, बारिश नहीं भाई, ओले गिर रहे हैं, बर्फ के गोल। वो खत्म खत्म भाई, उसकी छाती पे लगी है तीर, लेकिन चल साड़े पानी में निकल। अच्छा साथ में चला गया, अंदर कैसे लड़ेंगे? इतनी ठंड भी हो रही है गाइस, ठंडा पानी है भाई। उसकी तलवार निकाली भाई, कोई से भी एंगल से घुसा दे रहा है भाई, ये नहीं देख रहा किस एंगल से घुस रहा है, बस घुसा दो भाई। नीचे लाशें ही लाशें पड़ी हैं, एकदम तैर रही हैं लाशें। फर्स्ट एपिसोड है गाइस, स्टार्टिंग है। वो पहला ही एपिसोड है ना सीजन का, कहीं मैंने कोई और सा चला दिया हो भाई, मेरे को पता नहीं चल पता क्या। मैं तो पता, ओ व्हाट एन सीनरी ब्रो, ऊपर से काले बादल हैं लेकिन उसमें से कहीं कहीं से रोशनी आ रही है, एंड नीचे आग जल रही है, नीचे पानी है भाई, एवरीथिंग है उसमें, उस वाले में सब कुछ था भाई। विनलैंड सागा लेट्स गो भाई। एनिमे इतना साफ पानी भाई, इतनी ज्यादा चीजों पे डिटेलिंग करते हैं ना, एपिसोड वन ही है गाइस ये समवेयर। इतना साफ चीजें, बर्फ है उसमें, पानी की झील बह रही है, ये सब चीजें देखने में एनिमे में बहुत ऐसा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि एनिमे एनिमेट किया हुआ, ऐसा लगता है ना कहीं रियल ही है, रियल रियलिटी है कहीं की। जाने का मन करता है। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है कि मेरा ही मन करता है कि तुम्हारा भी, भाई जाने का मन करता है यार वहां पर। लैंड से चलने के स्टोरी चल रही बाद है मार्क हमारा लैंड। जहाज दक्षिण की तरफ और आगे बढ़ा। वहां की अच्छा, जमीन ज्यादा अच्छी है। ये समुद्र, फलों की भरमार थी और धरती घास से ओ ढकी हुई थी। उस धरती का खाना ही नाम खाना। मैंने रखा। क्या क्या नाम रखा? क्या है क्या सही में विनलैंड? तो ये वाली लैंड के लिए लड़ाई तो नहीं है गाइस, सुनकर मजा आया बच्चों। अब विनलैंड समझ के आ गया लिए। मैं लीफ एरिक्सन क्या क्या कर सकता हूँ। यार इस साले ने अपनी कहानी बनाई है फिर कोई था पता क्या? चले पता मैं भी नहीं कि बच्चों क्यों की मुझे तरह तो चूतिया आइडिया कट रहा से हूँ इससे। बड़ी इसने अपनी कहानी तो नहीं बनाई यहाँ पर। और इतनी बर्फ की आंधी चल रही है उसमें, ये कौन है भाई?
इसके गले में जंजीर लगी पड़ी है भाई। भाई इसमें जो सीन आ रहे हैं यार बहुत अच्छे आ रहे हैं यार। पहुंचने वाले हैं। अरे ये मैच की सपना तो नहीं देख रहे? जॉर्मुंड आ गया है। ये सपना देख रहा है यार, मेरे को लग रहा है सपना देख रहा है ये। ले 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 तेरी ले। ये देखो मैं कह रहा हूँ सपना देख रहा है ये यार। ये यार स्टोरी ऊपर से इतनी बढ़िया बढ़िया विजुअल्स यार, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। गुलाम उस टाइम गुलाम चलते थे ना पहले के जमाने में, गुलाम खरीद लो। और वो मेरे को समझ आया कुछ, जो हमने रात में देखा जिसके गले में जंजीर बंधी थी वो गुलाम ही था शायद किसी का, वो भाग के आया होगा। चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ जी। कुछ है कुछ है, वही तो नहीं है गुलाम? इलवा देखना देखना देखना, as I said ये गुलाम ही है किसी का। जब हमें इतनी ये देखो क्या समुद्र दिख रहा है यार, हम इतनी दूर उत्तर में क्यों रहते हैं? गाइस आई वांट टू गो देयर एंड हेलो साले कौन चल रहा है? और ये जिंदा कैसे है बर्फ में रात भर सो के? इसके हाथ पैर तो अकड़ चुके हैं। हां वही तो मैं भी कह रहा हूं, ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है। दिशा को लग रहा है ये गुलाम कुछ कांड करवाएगा इनके फैमिली के साथ। वो यहाँ के मुकाबले नॉर्वे भैंस की आंख, ये बुढ़ा जो भी बता रहा है बहुत ज्यादा मस्त मस्तीजे बता रहा है यार। लेकिन एक दिन एक बहुत ही ज्यादा विजुअल्स जो है ना बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा मस्त है। जंगल में फैलती आग की तरह हमारे गांवों को जीत लिया और वहाँ राज रूलर ऑफ द नॉर्वे, क्या मस्त है भाई। जिंदा हो गया भैंस का ये सारा जिंदा कैसे हो गया यार? आओ यार हो ही नहीं सकता भाई ऐसा, मैं मान ही सकता। तुम यहाँ किस जगह से आए हो? क्या क्या तुम बताएगा? फिर से उसी जगह पहुंचा दोगे? हाफ नहीं बताएगा ये, क्योंकि दोबारा से हाफ टर्न तो उधर बाहर के दूसरी तरफ से आए हो। साला बात चू दिया भाई, बता भी दिया इसने। मुझे नफरत है। जल्दी चलो हाफ टर्न तट पर पहुंच गया है। वो लोग फिर से लड़ाई करने के लिए आए हैं, बस तुम ही उसे कुछ समझा सकते हो। वो लोग तट पर आकर किसी गुलाम के बारे में बात कर रहे हैं। इसी की देखा, मैंने कहा था ना इसके वजह से ये बहुत ज्यादा फंसने वाले हैं और ये फंसेंगे इसके वजह से। और वो गुलाम को ढूंढते ढूंढते आ गया, अब नहीं देंगे तो लड़ाई होगी जंग, और अगर ये दे देगा तो दे दिया। सिर्फ एक ही गहना अच्छा लगता है और वो है हार, सोने या चांदी का नहीं, लोहे की। लोहे का हार भाई, डायलॉग देख रहा है सुअर का डायलॉग। तो बस उसके गले में जंजीर डाल दो। ओ ये है गौरव, मैं अब तक तुझे भूला नहीं हूँ। लड़ाई में मेरा बायां हाथ तूने ही काटा था, वो इसलिए क्योंकि तूने मेरे छाक के दो नहीं पाता होगा ये। छोड़ो इसे। अच्छा इसके भाई की उसने टांग काट दी, इसने हाथ भी चल नहीं पाएगा। आज तेरा हाथ काटूंगा। काटो साले। फिर कानून से आखिर डरता कौन है? काटो। क्या कर रहे हो? मैं तुझे बांध दूंगा। ओ भाई, भाई क्या ही करा है उसके साथ, इतना बुरा। कानून एक जंजीर है, अगर किसी इंसान को कानून सिखाना हो तो उसे कानून से ही। भाई कितना ज्यादा खराब किया है इसने, देख रहे हो इसने पूरा ऐसे लपेट के खींच डाला जिसके वजह से। और ये देख रही है बाहर खड़े गुलाम है, क्या किसी ने उसे देखा है? ये बताएंगे, मेरे को नहीं लगता। देख रहे हो इसी वजह से पूरी लड़ाई स्टार्ट होगी, एक गुलाम के वजह से, एक गुलाम के वजह से। ओ ये तो एओटी वाला चिड़िया है, अटैक ऑन टाइटन वाली चिड़िया है ये। महसूस नहीं की, खुद को संभालो, होश में रहो, जागते रहो वरना मर जाओगे। मर जाएगा तो मर जाए भैंस की आंख, तुम मर जाओगे इसके चक्कर में। पिताजी, मां, दीदी, तुम सब यहां पर थे।
की चिंता। अब ये भैंस की यहाँ कैसी ऐसी बातें करेगा कि इसके लिए भी खराब लगने लगेगा, गुलाम के लिए भी। ऑब्वियसली गुलाम है, उसके साथ काफी ज्यादा उसने पूरा किया होगा, गुलाम के साथ कोई प्यार तो करेगा नहीं। डोंट टेल मी कि उसने लड़की ने बता दिया। मिल ही गया। इस तरह आने के लिए माफ करना थॉर्स। इस उस लड़की ने इसकी बेटी ने बता दिया। इसे मुझे दे दो। अब यहीं से मेरे को लग रहा है ये मना करेगा और यहाँ से लड़ाई स्टार्ट होगी। गाइस देखना, सुनिए हाफ डन, इसी ने बताया है? हम इसे छिपा नहीं रहे थे। जब आपका गुलाम मर रहा था तब हमने इसकी जान बचाई थी। हाफ डन, इस आदमी के कितने पैसे दिए थे? ये इसको खरीदेगा। पिताजी आप ये पैसे की बात क्यों कर रहे हैं? दो भेड़े दी थी, वो भी जवान मादा। इसे मुझे दे दो, तीन भेड़ों में। अच्छा, उस टाइम पैसे नहीं चलते थे, भेड़े चलते थे। मैं इसे ले जाऊंगा और दूसरे गुलामों के आगे इतना मारूंगा कि दोबारा भागने की हिम्मत नहीं करेगा। भाई वो नहीं बेचेगा भाई। अब यहाँ पर होगी यही बकचोदी। देख, चार बक भेड़े दे रहा है वो, लेकिन वो नहीं खरीद रहेगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता वो बेचेगा। अब यहाँ पर होगी भाई बहसबाजी। सभी मादा भेड़े 3 साल से कम की हैं। आठ भेड़े एक अधमरे आदमी के लिए। आठ भेड़ की बात हो गई भाई, सही में का सौदा रहा। तो आठ भेड़े देनी पड़ेगी उसे। मुझे यकीन है तुम सोच रहे हो कि तुमने इसे जंजीरों से आजाद कर दिया, लेकिन अब इसे लेकर कहाँ जाओगे? विनलैंड पे लेके जाएगा इसको ये। विनलैंड। लेकिन यार सही में उस टाइम के हिसाब से देखा जाए ना, 8 भेड़ भाई बहुत बड़ी बात है भाई। इसके पास बचेगा ही क्या? ये कौन रो रहा है? ये वही लोग बच्चे, ये रो रही है। बिल्कुल हो रहा है। उसके बदले हमने 8 भेड़े दी और वो मर भी गया। पिताजी क्या आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई यार सॉरी सॉरी सॉरी, बट यार ये तो बहुत बड़ा घाटा हो गया भाई लोगों को। हमारे पूर्वज भी पूर्व दिशा से यहाँ भागकर आए थे। उसने 8 भेड़े भी दे दी। कहा तो यही जाता है। ओ यार सी आई सी आई सी यार, वो मार भी नहीं पाता। उसको दे देता ना, वो ऑलरेडी रास्ते में मर जाता, वो मार भी नहीं पाता। और यहाँ पर ये क्या बोट चला रहे हैं जो यहाँ से भाग जाना चाहते हैं? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कोई एनिमी है, एनिमी कोई दुश्मन है, कोई गुंडा है, विलन है जो कि यहाँ पे आ रहा है इनके पास, या फिर क्या करने जा रहा है? वो वही राजा था ना जिसकी बात हो रही थी शायद, पता नहीं कौन था बट कुछ तो गड़बड़ थी। वो यहाँ पर आ रहा है लड़ने के लिए कि क्या करने के लिए? और ये बॉक्स में क्या है जो दिखा रहे हो तुम लोग? साड़ो सुअरो खोलो उसे। इसके अंदर तलवार रखी है, चीजें रखी हुई है उसकी उसमें पता है क्या था? उसमें उसकी लड़ने की सारी इक्विपमेंट्स जो नहीं होते जो वो पहनते हैं, तलवार छोटी या फिर चाकू टाइप की, वो सब चीजें थी उसमें शायद उसके बॉक्स में। एंड वो पता नहीं क्यों दिखा रहे थे। एंड भाई यहाँ पर जो है स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उसके बाद जो है कहानी जो वो बुड्ढा बता रहा था, वो कहानी ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी। जिस तरीके से विजुअल था वो भी सेटिस्फाइंग चल रहा था। बट यहाँ पे जो स्लीप के वजह से मेरे को लगा था लड़ाई होगी, लेकिन हुई नहीं। बट इनके बहुत ज़्यादा बड़ा घाटा हो गया। 8 सीप भी चली गई, वो भी मर गया उसको बचाने के चक्कर में। ठीक है, वो तो है, लेकिन लास्ट में जो दिखाया एकदम से, वो बोट से कोई तो आ रहा है, बहुत सारे सैनिक टाइप के आ रहे हैं, वो चला रहे हैं। एंड फिर इसको दिखाया, फिर उसके बॉक्स को दिखाया, फिर उसके बॉक्स के अंदर में उसकी जो चीज़ें रखी हैं उसको दिखाया। तो मतलब इसमें क्या लड़ाई वड़ाई होने वाली है, इस वजह से ये सब दिखा रहे थे क्या? है काफ़ी अच्छा था गाइज, ये काफ़ी अच्छा था। अब दोबारा से हमको
अब ये देखने को पता नहीं कब मिलेगा, क्योंकि अभी जो स्टार्ट किए उनके एपिसोड चलेंगे ना रिपीट में, मतलब आप उनको ऐसे थोड़ी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप लोगों के ऊपर है भाई। तुम लोग जिस पे ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करोगे ना, जिस पे ज़्यादा अच्छी वीडियो जाएगी, जो उस पे ज़्यादा वीडियो आएगी, तो तुम लोगों के ऊपर है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना देखो, एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा देखो, एंड उसके बाद वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा देखो डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो। एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ और भी लेटेस्ट एनिमे रिएक्शन के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।